लगता है आजकल सांपों ने स्कूल के शिक्षकों से कुछ ज्यादा ही गहरी दोस्ती कर ली है। तभी तो बारसोई के इस स्कूल में दर्जनों के भाव में इन सांपों ने अपना घर बना लिया है। इस स्कूल का नाम है प्राथमिक विद्यालय मनोहरी। यह स्कूल बारसोई की बलतर पंचायत में अवस्थित है। स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं अन्य शिक्षकों ने हमारे संवाददाता जयराम को बताया कि अब तक इस स्कूल में 36 जहरीले सांप निकल चुके हैं। देखने से यह सांप कोबरा सांप दिखाई पड़ते हैं। स्कूल के शिक्षक ने यह भी बताया कि जब स्कूल में खाना बना रहे रसोइये ने चावल निकालने के लिए बोरों को हटाया तो उसके पीछे से सांपों का झुंड निकला। बोरा हटाते ही सभी सांप इधर उधर भागने लगे। सांपों को देखकर रसोइया घबरा गया और चिल्लाते हुए वहां से भाग पड़ा। सांपों के मिलने की खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई। खबर सुनते ही शिक्षकों के साथ बच्चों के अंदर भी डर समा गया। कैटो सांप निकला विद्यालय में आपका? 20-30 तो डर लगता है सांप से? हाँ। विद्यालय आए फिर डर भी लगता है, क्या चाहते हैं? 5 दिन की छुट्टी दीजिए। छुट्टी? तनवीर, कितना सांप निकला है? 10-20 तो सांप निकल गया है सर। 10-20 तो? जी सर। डर लगता है सांप से? जी सर। क्या चाहते हैं? 5-10 दिन के छुट्टी चाहते हैं सर। छुट्टी? जी सर। छुट्टी होने से सांप से डर नहीं लगेगा? लगेगा सर। हैं? भाग जाएगा सर। सांप भाग जाएगा? जी सर। 5-6 दिन छुट्टी होगा, भाग जाएगा? जी सर। फिर आ जाएगा तो? डर लगता है? जी सर। कितना सांप निकला? कम से कम सर 20-30 सांप निकल गया है सर। बच्चा स्कूल आने में डर नहीं लगता है? लगता है सर। डर लगता है? जी सर। 10-20 निकल गया सर। 10-20? जी सर। डर लगता है सांप से? जी सर। शिक्षकों ने बताया कि अभी स्कूल में साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। स्कूल की पढ़ाई को ऊपर के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। सांप को तो ऐसे ही नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो किसान के मित्र होते हैं और उन लोगों का भी जान है। और मेरा प्रयास है कि अभी सबको कलेक्ट करके एक सुरक्षित जगह इन लोगों को प्रदान कर दिया जाएगा। एक्चुअली हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो लोग हम लोग से संपर्क में हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस चीज़ को देख के, वो लोग एक्टिव हैं और इस विषय को गंभीरता से ली जा रही है। बच्चे लोगों को अभी ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है और लेकिन यह काफ़ी जारी है। एक्चुअली है क्या कि आसपास में जो है ना फ्लड ज़्यादा हो चुका है, पानी बढ़ चुका है, बिल बढ़ चुका है, इसलिए सांप बड़े बड़े यहाँ पे आते रह रहे हैं। बाउंड्री भी नहीं है स्कूल में, ये प्रमुख कारण है कि बाउंड्री नहीं। आप कितना सांप पकड़े? अभी तक मैं सर टोटल 36 हैं और मैं भी देखिए इवनिंग तक 40 हो जाए। बहुत आप साहसी का काम किए कि सांप को जो है पकड़ के कलेक्ट किए, ये डर नहीं लगा आपको? डर तो कहीं ना कहीं मन में रहता है सर, लेकिन हिम्मत भी आता है अंदर से। एक्चुअली अगर हम नहीं उसको कलेक्ट करते तो कोई इसको मार देता, तो हम बोले कि नहीं सर लोग को बोले नहीं नहीं सर मारना नहीं है, तो एक्चुअली इसको हम लोग रेस्क्यू कर लिए, इसलिए सबको कलेक्ट कर करके फिर एक सुरक्षित स्थान पर जाके इसको सबको दे दिया। नुकसान पहुँचाया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये मोनोपोली है लोगों का कि सांप नुकसान पहुँचाता है, जब तक हम उसको नहीं छेड़ेंगे वो कुछ नहीं करेगा। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ऐसी ही एक घटना पिछले वर्ष भी देखने को मिली थी जब इस स्कूल में एक दर्जन सांप निकले थे। पिछले साल बंगाल से सपेरों को बुलवाकर सांपों को स्कूल से निकाला गया था। फिलहाल स्कूल प्रबंधक अपने हिसाब से स्कूल में साफ सफाई का काम करवा रहा है। जी 2-3 दिन से जो है हम लोग 9 बजे स्कूल आ रहे हैं, खोल रहे हैं तो इधर उधर सांप का बच्चा देख रहे हैं। तो एक हमारे राजू जी हैं सहायक शिक्षक कटिहार के, उनके द्वारा रिक्स्यू करके और एक बोतल में भी बंद किया गया है। और कल परसों तो उधर झांठी है बांस का, उसमें फेंक दिया गया लेकिन मारा नहीं किया गया। बच्चों में बहुत ही भयभीत हो गया है, बच्चा स्कूल आना नहीं चाहता है। और इसकी सूचना हम अपने पदाधिकारी बीओ साहब को भी दिए, कल वो आए थे और देखे, उनके जाने के बाद भी 2 सांप निकला कोबड़ा, लेकिन हम लोग उन्हें भगा दिया सांप को। फिर आज 7-8 सांप निकला है और हम लोग पकड़ के रखे हैं और सपेड़िया को बंगाल से बुलाया गया है। अगले साल भी इसी समय लगभग 25-30 सांप का बच्चा निकला था। कल से और आज तक कितना सांप निकला थे? लगभग 34-35 सांप अभी तक निकल चुका है सांप का बच्चा। क्या कहना होगा जब आप कहे? उनका कहना है कि जो है बगल में तो झांटी है, अब इसको तो कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन अपने स्कूल के चारों तरफ साफ सफाई कीजिए और सैनिटाइजर कीजिए और शिक्षा समिति का बैठक करके 2-3-4 दिन के लिए स्कूल पठन पाठन कार्य बंद कर दीजिए, क्योंकि बच्चों के जान माल का रक्षा सबसे पहला है और हम लोग को भी बहुत भयभीत और डर लग रहा है।
कहीं से भी सांप का बच्चा निकल जा रहा है। उधर जब हमारे संवाददाता जयराम ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुमताज अहमद से सांपों के संबंध में पूछा तो उनका कहना था कि प्रधानाध्यापक को यह निर्देश दिया गया है कि शिक्षा समिति की बैठक बुलाकर 2-3 दिनों के लिए फिलहाल स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी जाए और उसके बाद सांपों को स्कूल से निकालने का उपाय किया जाए। फिलहाल सांपों की यह घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है।